हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू यूपीएससी प्रो 2019 के क्वेश्चंस कर रहे थे 70 क्वेश्चंस हो चुके थे पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए और सेवेंटी फर्स्ट से आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन बोल रहा है विथ रिफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट तीन स्टेटमेंट दिए हैं करेक्ट पूछ रहे हैं स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे पहला देखें ए आई आई बी हैज मोर देन एटी मेंबर्स देन नेक्स्ट इज इंडिया इज लार्जेस्ट स्टेक होल्डर इन ए आई आई बी थर्ड बोल रहे हैं ए आई बी डज नॉट हैव एनी मेम्बर्स आउटसाइड एशिया नाउ अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत आइडिया भी हो तो आपको पता है कि जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है एक्चुअली ए आई आई बी में ना ही सिर्फ एशिया से पर बाहर से भी देश इसके मेंबर्स हैं आपको ये पता हो ध्यान से तो आप देखें कि बी सी और डी एलिमिनेट होते हैं हो और और आपको आंसर मिल जाता है ए ठीक है इफ़ इन केस आप थोड़ा डाउट में हैं तो पहले के दो स्टेटमेंट्स देखें इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन ए आई आई बी नाउ सी कि इंडिया की इकॉनमी इतनी ज़्यादा बड़ी तो नहीं है कि हम लोग इतना शेयर यू नो ले ए आई में जो कि चाइना के द्वारा स्था, आ, स्थापित किया गया तो फिर ये मोस्टली रॉन्ग होता है रशिया का शेयर होल्डर राजस्व हो सकता है चाइना का हो सकता है जिसका हेडकॉर्टर भी वहीं पर है चाइना पे है उसका राजिस्व हो सकता है इंडिया का इस रेयर चांसेस तो आपका बी और डी भी कैंसिल आउट होते हैं पर अगेन यू हैव टू डिसाइड ऑन सी ठीक है तो थोड़ा बहुत आइडिया होना ही चाहिए ईजी आते हैं क्वेश्चन इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वट वाज द परपज ऑफ इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट साइंड बाय इंडियन बैंक एंड एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिसेंटली तो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट के बारे में पूछ रहे हैं है ना टू लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेरिनियल बर्डन ऑफ फिजिकल डेफिसिट एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट to act as independent regulator in case of application for loans of 50 crores and more to aim at faster resolution of stressed asset of 50 crore or more which, which are under consortium lending अब देखिए इसका आंसर है D NPS बढ़े जा रहे थे न्यूज़ में चल रहा था ये agreement as a solution आ, आ गया था okay बाकी सारे options देखिए fiscal deficit current account deficit को कम करना सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ये उतने रेलिवेंट ऑप्शन नहीं है वील गो विथ डी ओके नेक्स्ट देखिए चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर इज सेलेक्टेड बाय वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली ए है इसका आंसर बैंक्स बोर्ड ब्यूरो कुछ खास इसमें डिस्कस करने लायक नहीं है फैक्चुअल चीज है ये नेक्स्ट देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ दिस इज़ सम एक्सट्रीम स्टेटमेंट राइट इसको हम लोग मोस्टली यू नो रॉन्ग लेते हुए चलेंगे अगर आप इसको रॉन्ग लें तो देखिए ए सी और डी एलिमिनेट होते हैं ओके okay? पर फिर भी रीचेक करेंगे बाकी दो स्टेटमेंट जनरल होने चाहिए तभी ये राइट right होंगे दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है वन ऑफ द टास्क ऑफ पी एन जी आर बी इज टू इंश्योर कंपिटेटिव मार्केट्स फॉर गैस वेरी ट्रू जनरल स्टेटमेंट अपील्स अगेंस्ट डिसीजन ऑफ पी एन जी आर बी गो बिफोर द एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी में या दिस ऑल्सो कैन बी ट्रू ओके तो बी आंसर हो जाता है टू एंड थ्री ओनली नेक्स्ट देखिए विथ रिफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज वॉट इजर आर द डिफरेंस बिटवीन एल टी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एंड वोल्टी ई वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं करेक्ट पूछ रहे हैं एल टी इज कॉमनली मार्केटेड एज थ्री जी एंड वोल्टी इज़ कॉमनली मार्केटेड एज एडवास्ड थ्री जी एडवांस थ्री जी ऐसा कुछ सुना नहीं हमने है ना तो हम अपने नॉलेज पे विश्वास रखेंगे और ये रॉन्ग हो जाता है स्टेटमेंट फोर जी सुना है हमने एडवांस थ्री जी नहीं सुना एल टी इज़ डेटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड वोल्टी इज़ वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी नाउ दिस इज ऑल्सो रॉन्ग वोल्टी आपको एल टी का भी सर्विसेज देता है ठीक है तो ये भी रॉन्ग हो जाता है आंसर हो जाता है डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग मेटर्निटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल 2017 सपोज आपको इसके बारे में नहीं भी पता है ये एक्चुअली कॉमन सेंस से सॉल्व होने वाला था क्वेश्चन करेक्ट पूछ रहे हैं पहला स्टेटमेंट देखिए प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल फॉर थ्री मंथ्स प्री डिलीवरी एंड थ्री मंथ्स पोस्ट डिलीवरी पेड लीव दिस इज ट्रू सेकेंड देखिये एंटरप्राइजेस विथ क्रेश मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम सिक्स क्रेश विजिट डेली नाउ दिस इज समिंग विच इज नॉट दट फिजिबल छः क्रेश एक दिन में देना ठीक है तो टू यहां पे रॉन्ग है टू यहाँ पे रॉन्ग होता है तो ए बी और डी एलिमिनेट होते हैं लेफ्ट सी एक बार चेक कर लेंगे वुमेन विथ टू चिल्ड्रेन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट नाउ दिस इज टू ये अमेंडमेंट में था और क्योंकि पॉपुलेशन uh, कंट्रोल के लिए भी एक सही ये जरिया होगा तो थ्री की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है राइट right होने की नेक्स्ट देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन सा है ये सब इंडेक्स नहीं है फर्स्ट देखिए मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग एलिमिनेशन से ही सिलेक्ट कर पाएंगे अगर आपको इंडेक्स के बारे में डिटेल में नहीं पता तो गैस यहाँ पे एलिमिनेशन से होगा पेइंग टैक्सेस जी हाँ ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत आ सकता है रजिस्ट्रिंग प्रॉपर्टीज दिस ऑल्सोल विल कम अंडर द सब इंडेक्स थर्ड देखिए डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट लाइसेंसिंग की बात की गई है तो ये भी आएगा तो हम वी आर लेफ्ट विथ ए आंसर हो जाता है ए नेक्स्ट देखते हैं इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग वेरी इजी क्वेश्चन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे कि जो ई e वेस्ट है ठीक है जो प्रोड्यूस करेगा उसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी कि वो उसे डिकम्पोज भी करे तो यहाँ पे सी देखिए द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 ये आंसर हो जाता है नेक्स्ट देखिए द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस इफ एनी पेड टू फार्मर्स प्लस चार ऑप्शन दिए हुए हैं ध्यान से पढ़ें ए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड चार्जेस फॉर गोडाउंस इन क्वेश्चन में बहुत ही सिंपली सोचें जो ए और बी है ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है ये कैंसिल आउट होंगे चूज़ हमें सी और डी के बीच ही करना है बहुत से क्वेश्चन में ऐसे ही होता है सिमिलर से ऑप्शन होते हैं कुछ डिफरेंस होता है और उनमें से एक आंसर रहता है सी देखिए प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और डी में है चार्जेस फॉर गो अगर एफ सी आई की बात करें इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी इंक्लूड होता है ठीक है तो आंसर हो जाता है सी लास्ट देखते हैं इन द कंटेक्सट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सोशल कैपिटल सोशल कैपिटल के बारे में पूछ रहे हैं ऑप्शन देखें द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट इन द पॉपुलेशन द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन्स यहाँ पे ये कैंसल आउट होता है बी स्टेटमेंट क्योंकि कैपिट सोशल कैपिटल की बात कर रहे हैं सबसे पहले मैं ह्यूमन कैपिटल बता दूँ ह्यूमन रिसोर्स होता है एक चीज़ इसको अगर स्किल्स दें इसे ह्यूमन रिसोर्स का हम लोग एजुकेशन दें हेल्थ प्रोवाइड करें तो ये ह्यूमन कैपिटल बन जाता है इसी प्रकार सोशल कैपिटल क्या होता है जब लोगों में एक यूनिटी एक म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डअप हो ठीक है एक सिंक्रोनाइज्ड वे में वो काम कर सकें ठीक है तो वो सोशल कैपिटल हो जाता है यहाँ पे आप ऑप्शन देखें डी द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हारमोनी इन द सोसाइटी इज द सोशल कैपिटल क्योंकि यही सोसाइटी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है ठीक है यहाँ पे लिटरेसी एंड एवरीथिंग कम्स लेटर ऑन ये बेसिक एक्सप्लेनेशन है इसका तो आंसर हो जाता है डी सी भी एक बार देख लें द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू ठीक है तो आंसर है डी तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेन देखते हैं और नाइनटीन uh, खत्म होने के बाद एटीन के रेस्ट जितने भी बचे हुए हैं क्वेश्चन वो कंप्लीट करेंगे इन वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को बेल आइकन प्रेस करें तभी नोटिफिकेशन मिलेगा थैंक यू सो मच